इस देश के अंदर जब तक बहुसंख्यक हिंदू रहेगा, जब तक बहुसंख्यक हिंदू रहेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तब तक ही इस देश में बाबा साहेब का नाम भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, लोकतंत्र भी रहेगा। लिख के रख लीजिए, जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गया, इस देश में ना संविधान रहेगा, ना बाबा साहेब का नाम रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा। देश की आजादी के बाद पहली बार 2014 में एक सरकार बनी जो कांग्रेस मुक्त या कांग्रेस के बिना पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। आजादी के बाद कभी भी गैर कांग्रेसी कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी थी। 2014 का पहले का जो हालात था इस देश के अंदर भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा ली थी, देश के अंदर इतना निराशा हो गया था कि पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी आए दिन जहां तहां आकर के बम का विस्फोट करके हमारे सैनिकों के गले काट करके चले जाते थे और भारत की सरकार उनको प्रेम पत्र लिखती थी। ये पूरे देश के अंदर महंगाई ने, बेरोजगारी ने, लॉ एंड ऑर्डर ने ऐसा त्राहिमाम मचाया था कि गवर्नर्स जो है पैरालिसिस हो गया था और पूरा देश एक निराशा के भाव में खड़ा हो गया था। ऐसे परिस्थिति में कांग्रेस के 10 साल के कुशासन में, जहां हजारों करोड़ों नहीं अरबों रुपए के घोटाले के कारण, एक रिमोट से चलने वाले प्रधानमंत्री के कारण इस देश की ख्याति, इस देश की अस्मिता और देश की सुरक्षा, देश की संप्रभुता सब कुछ खतरे में पड़ गई थी। ऐसे स्याह समय में देश के अंदर एक व्यक्ति उभरता है, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का निकल करके सामने आता है, अपने गुजरात प्रदेश से आता है, जिसका नाम नरेंद्र भाई मोदी होता है, और हम सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के देवतुल कार्यकर्ता अपने श्रम से, अपने परिश्रम से उस व्यक्ति को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाते हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार के साथ बनाते हैं। और 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। 2014 के सरकार बनने के बाद ही देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री पाने का काम करता है जिसके माथे पे त्रिपुंड भी रहता है और जिसके गले में रुद्राक्ष की माला भी होती है, जो संविधान के कॉपी को अपने माथे पे लगा करके अपने लोकसभा के संसद के उस स्टेयर को, उस सीढ़ी को नमन करके घोषणा करता है कि भाई हमारी सरकार गांव, गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित, महिलाएं, युवाओं को समर्पित सरकार होगी। हमारी सरकार संविधान के रास्ते अंत्योदय के उस महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेगी। और सरकार बनते के साथ जन कल्याण का, गरीब कल्याण की योजनाएं प्रारंभ होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना, गरीबों के लिए शौचालय का योजना, गरीबों के लिए इलाज के लिए आयुष्मान का योजना, ये सारी योजनाओं के साथ लगभग करोड़ों जनधन के खाते खुलाने के साथ इस देश में पहली बार सुशासन का स्वाद जनता को मिलना प्रारंभ होता है। 2014 से 19 तक गरीब कल्याण के साथ, सुशासन के साथ जहां मोदी जी आगे बढ़ते हैं, वहीं 2019 में जब दोबारा आप सरकार बनाते हैं, नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाते हैं, तो हमारे उतने जितने भी हमारे संकल्प थे, जो संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का निर्माण हुआ था, जिस संकल्प को लेकर के जनसंघ का निर्माण हुआ था, हमारे संस्थापक अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जिन्होंने अपना अमर बलिदान दिया था, उस अमर बलिदान के, उस संकल्प को पूरा करने के लिए जहां हुए बलिदान मुखर्जी, ओ कश्मीर हमारा है, ओ कश्मीर हमारा है, सारा का सारा है, इस नारे को, इस संकल्प को हर कार्य समिति में लगाते हुए हम धीरे धीरे सने सने आगे बढ़ते गए। और 2019 में जब दोबारा आपने अपने बहुमत से नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, तो कश्मीर से 100 दिन के अंदर सरकार बनते ही 370 और 35 से हटा करके कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बना दिया। आपने जब 2019 में सरकार बनाया तो 500 सालों के लंबे संघर्ष का विराम भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या जी में होकर के हमको मिला। देश का स्वाभिमान आगे बढ़ा, देश का मान आगे बढ़ा। जिस देश को लोग पिछलग्गू कहते थे, वह देश नेतृत्व के लिए आगे बढ़ने लगा। जिस देश पर 200 सालों तक ब्रिटिश का शासन था, अंग्रेजों का शासन था,
जिस देश ने इसको गुलाम बना करके यहाँ के संसाधनों को लूट करके समाप्त कर दिया था, उस देश को सिर्फ 10 साल में विश्व का पांचवा अर्थव्यवस्था उस इंग्लैंड को उस ब्रिटेन को पीछे करके बनाने का जिसने काम किया, वह नाम नरेंद्र भाई मोदी है, वह पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, वो काम आप लोगों ने करके दिया। ये देश के अंदर बदलाव आया, देश के अंदर आए दिन होने वाले उग्रवादी आतंकवादी घटनाएं समाप्त होने लगी। झारखंड जिसको भारतीय जनता पार्टी ने बना के दिया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2015 नवंबर को बना के दिया, उसका भी कारवां धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। 2014 में जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बने, नवंबर के चुनाव में यहां की जनता ने, झारखंड की जनता ने, झारखंडी जनता ने पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। एक डबल इंजन की सरकार ने जहां आगे बढ़ने का काम किया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, झारखंड की अस्मिता और झारखंड के गौरव का निर्माण होना प्रारंभ हुआ। जहां 68 लाख परिवारों तक बिजली थी 2014 तक इस झारखंड प्रदेश में, हम लोगों ने वहां 68 लाख परिवार में 38 लाख परिवार तक बिजली थी, 30 लाख परिवार तक बिजली नहीं थी, हम लोगों ने 5 साल में 30 लाख परिवार तक बिजली पहुंचाया। 2000 से लेकर 2014 तक सिर्फ 25,000 किलोमीटर सड़क इस झारखंड प्रदेश में बने थे। 2014 से 2019 तक 25,000 किलोमीटर सड़क सिर्फ हम लोगों ने बनाया। झारखंड में नया विधानसभा बना, नया कोर्ट बना, झारखंड में एम्स आया, झारखंड में नए 5 मेडिकल कॉलेज बने, झारखंड का नवनिर्माण हो गया, झारखंड आगे बढ़ गया, झारखंड के लोगों का जीवन स्तर भी आगे बढ़ा। लेकिन धीरे 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 झारखंड विरोधी लोगों ने षड्यंत्र करना प्रारंभ किया। जो षड्यंत्र इस बार देश के प्रधानमंत्री जी को पदस्थ करने के लिए, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री ना बने इसलिए अफवाहें फैलाने के लिए, षड्यंत्र करने के लिए, देश का संविधान खतरा है, देश के संविधान खतरे में है, देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, ऐसे गांव गरीब दलित आदिवासी वंचितों में भ्रम फैला करके उनके मत को लूटने का, मत को छीनने का काम किया। गरीबों को लालच दे करके, गरीबों को प्रलोभन दे करके उनको बहकाने का काम किया। और नतीजा क्या रहा? नतीजा यह रहा कि उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी हट जाएंगे तो यह देश फिर से कमजोर हो जाएगा। जहां विदेशी ताकतें लगी थी, जहां कांग्रेस लगी हुई थी, जहां जातीय उन्माद चरम पर था, जहां अफवाह चरम पर था, जहां पूरे तरह से ऑर्गेनाइज रूप में भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते कदम को, नरेंद्र भाई मोदी जी के बढ़ते कदम को, भारत के बढ़ते कदम को रोकने का षड्यंत्र रहा, वहां आपके कार्यकर्ता, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, देवतुल कार्यकर्ताओं ने अपने परिश्रम से, अपने श्रम से 45, 46, 47 डिग्री के तापमान को भी कम कर दिया और 14 में से 9 सीट जिता करके तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बताया। ये आपके परिश्रम से संभव हुआ। और मैं अपने भाइयों को बताना चाहता हूं, 5 साल सरकार है, ये झूठ के बुनियाद पे आने वाली सरकार है। 2019 में इस सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन जी ने क्या कहा था? हमारी सरकार बनेगी तो हम 1932 के आधार पर, खतियान का आधार पर नियोजन नीति बनाएंगे, हर साल 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, 5,000-7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, और अगर हम ये काम नहीं कर पाए तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। गरीबों को 72,000 चूल्हा का खर्चा देंगे। ये सारी चीजें धरी की धरी रह गई। 5 साल का उनका सरकार खत्म हो गया, फिर झूठ लेकर के आ रहे हैं, फिर फरेब लेकर के आ रहे हैं, फिर आपको डराने के लिए संविधान के नाम पर, बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान के नाम पर आपको बांटने के लिए आ रहे हैं। आपको मालूम होना चाहिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी हैं जिन्होंने 26 नवंबर को देश का संविधान दिवस के रूप में घोषित करके बाबा साहेब अंबेडकर को सम्मान दिया है। ये नरेंद्र भाई मोदी है जो बाबा साहेब के 5 जुड़े हुए प्रमुख स्थलों को जो जोड़ करके उनका सम्मान करके पंच तीर्थ बना करके उनको सम्मान देने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र भाई मोदी है जो धरती आबा बिरसा मुंडा के जन्म जयंती को मनाने के लिए 2025 को पूरा वर्ष मनाने के लिए घोषणा किया। ये भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी ही है जिन्होंने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया। ये नरेंद्र भाई मोदी ही है
जो परमवीर चक्र अल्बर्ट टेक्का का गए नाम पर एक आइलैंड का निर्माण करके उनको सम्मान देने का काम किया। ये नरेंद्र भाई मोदी है जो देश में पहली बार एक जनजातीय महिला इस झारखंड की नतनी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बना करके इस देश को सम्मान देने का काम किया, अपने आदिवासी भाइयों को सम्मान देने का काम किया। भाइयों और बहनों, आपको मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय यशस्वी गृह मंत्री जी के आगमन का सूचना हो गया है, लेकिन अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहता हूं, इनके फरेब से बचने के लिए, इनके झूठ से बचने के लिए सावधान रहिए। और अंत में ये कहते हुए, संविधान का बचाने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। संविधान को खत्म करने का काम कांग्रेस ने किया है। और आज मैं यहां से कह रहा हूं, पूरे भरोसे से कह रहा हूं, इस देश के अंदर जब तक बहुसंख्यक हिंदू रहेगा, जब तक बहुसंख्यक हिंदू रहेगा, जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी, तब तक ही इस देश में बाबा साहेब का नाम भी रहेगा, संविधान भी रहेगा, लोकतंत्र भी रहेगा। लिख के रख लीजिए, जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गया, इस देश में ना संविधान रहेगा, ना बाबा साहेब का नाम रहेगा, ना लोकतंत्र रहेगा। भाइयों और बहनों, अपने को सजग बना करके अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे ताकत के साथ इस विधानसभा में अपने माटी बेटी रोटी की रक्षा के लिए एक बार पूर्ण बहुमत की फिर से सरकार बनाने के लिए आपसे निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय झारखंड। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन पीडीएफ। द फॉलो अप डॉट इन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in।